prove that maximum range is at mid point, maximum height is at mid point of range. मतलब कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को गिरा जाए तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा. ये मैक्सिमम हाइट इस पूरी रेंज के मिड पॉइंट पे है. मिड पॉइंट का मतलब कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ से एक्स है तो ये एक्स की वैल्यू आर बाई टू है, ये प्रूव करना है. क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब आर बाई टू और आर बाई टू, तभी ये मैक्सिमम हाइट मिड पॉइंट पे मानी जाएगी, ये प्रूव करना है. वैसे तो बाईसिमेट्री दिख रहा है कि हाइट मिड पॉइंट पे आती है, मतलब आधी जर्नी इधर आधी जर्नी इधर होती है, पर चलो ये प्रूव करते हैं. तो मुझे एक्चुअल में ये प्रूव करना है कि अगर मैक्सिमम हाइट एक्स दूरी पे है तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, आर बाई टू. क्या बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली तो मेरे को एक्स निकालना है. तो मैंने वी वेलोसिटी से बॉल को फेंका, इसके दो कंपोनेंट हैं, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी साइन थीटा और फाइनल वेलोसिटी जीरो. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये क्या है, वी कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स. अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक्स निकाल के दो और यहाँ से मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट. तो टी वन इज टाइम ऑफ एसेंट. तो अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के दो तो एक्सिस क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस. अपनी इक्वेशन किस में लगाएंगे, एक्स में. तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है कितनी, वी कॉस थीटा. तो वी कॉस थीटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, एक्स. वेलोसिटी की जगह वी कॉस थीटा, और एक्स डिस्टेंस कितने समय में कवर हुआ, टी वन, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट. तो यहाँ पर टी वन टाइम ऑफ असेंट हमने निकाल रखा है, आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला रजिस्टर वी साइन थीटा बाई जी. तो ये एक्स की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर वन, वी को वी से मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर आ गया. लेकिन रेंज का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा. अभी फॉर्मूला लिखवाया, ये एक्स की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है. आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, एक्स डिवाइडेड बाई आर कर दें, ये टर्म बाई ये टर्म कर दें, तो ये देखो वी स्क्वायर जी जी सब कुछ कैंसल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हाफ. आर को राइट साइड पे ले जाएं, आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू. तो कैंसिल करें, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सिर्फ टू कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो रहा है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या प्रूव करना है. तो यहाँ से यू कैन प्रूव एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू.